करीब 22% यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है, मगर अब पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जे के साथ साथ संपूर्ण यूरोप को भी श्मशान बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और जानते हैं अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए पुतिन एटमी विनाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, चंद रोज पहले ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री ने क्रीमिया को लेकर एक बयान दिया, वो ये कि 2024 में क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा लहराएगा, रूसी कब्जे से क्रीमिया आजाद हो जाएगा। बस फिर क्या, क्रीमिया पर यूरोपीय देशों के एजेंडे ने पुतिन का माथा ठनका दिया और अब किसी भी वक्त यूरोप में न्यूक्लियर विनाश हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। बीते 2 साल से यूक्रेन एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। बम, गोला, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ प्रहार हो रहे हैं। यकीन मानिए, यूक्रेन में तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, मगर खूनी संघर्ष, बारूदी कोहराम अब भी जारी है। पुतिन की जंगी सनक का शिकार बन चुके यूक्रेन के कई शहर खंडहर हो चुके हैं, तो कुछ कब्रिस्तान के शक्ल ले चुके हैं। मगर इसी रूस से एक ऐसी धमकी सामने आई है जिसने यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है। जी हाँ, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने बयान दिया है कि रूस एटमी हथियारों से जंग लड़ना नहीं चाहता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमें उकसाया गया, रूस की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया गया, तो रूस के परमाणु हथियार सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका तक में तबाही मचा सकते हैं। दिमित्री मेदवेदेव को पुतिन का करीबी माना जाता है, ऐसे में मेदवेदेव की चेतावनी को हल्के में लेना वहां खतरे से कम नहीं। मगर बड़ा सवाल यह है, जंग में यूक्रेन को बैकफुट पर लाने के बाद भी रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग क्यों सामने आई? क्यों मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में एटमी कोहराम मचाने की धमकी दी? तो आपको बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बेन वॉलेस ने क्रीमिया पर एक बयान दिया, वो ये कि 2024 में क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा होगा, क्रीमिया पेनिनसुला पर यूक्रेनी झंडा लहराएगा, यूक्रेन के क्रीमिया ऑपरेशन को नेटो का समर्थन, नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे। पूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री के इस बयान ने पुतिन का माथा ठनका दिया, क्योंकि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और ब्लैक सी से सटा ये इलाका पुतिन की साख से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में ब्रिटेन की तरफ से क्रीमिया को लेकर जो बयान सामने आया, उसके बाद पुतिन के करीबी माने जाने वाले मेदवेदेव ने यूक्रेन, अमेरिका समेत पूरे यूरोप को एटमी विनाशकों से दहलाने की धमकी दे दी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब एटमी टर्न ले चुका है? क्या जल्द ही वॉर जोन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होने वाला है? क्या 79 साल बाद फिर से परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका भी साफ होने वाले हैं? क्योंकि मेदवेदेव के बयान से तो ये साफ हो चुका है, अब पुतिन का फोकस यूक्रेन पर बम, गोला, बारूद बरसाना नहीं बल्कि एटमी धमाकों से दहलाना है। और रूस के इन्हीं आक्रामक तेवरों ने कीव में सनसनी मचा दी।
दरअसल क्रेमलिन के एटमी ऐलान से यूरोप अमेरिका में भय तो फैला ही है, मगर यूक्रेन को तो अपने अस्तित्व का संकट सता रहा है, क्योंकि अगर रूस ने एटमी हथियारों से प्रहार किया तो पहला टारगेट सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही होगा। ऐसे में अब यूक्रेन ने पहली बार अपने लिए परमाणु हथियारों की मांग शुरू कर दी है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने नेटो से एटमी हथियार देने की मांग की। यूक्रेनी डिफेंस ने न्यूक्लियर रॉकेट की भी डिमांड रखी। इसके अलावा यूक्रेन ने 20 एटमी मिसाइल भी मांगी। दरअसल ज़ेलेंस्की का मानना है कि जब तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनता, तब तक रूस के एटमी प्रकोप से बचने के लिए उसे परमाणु हथियार चाहिए, ताकि न्यूक्लियर विनाशकों के दम पर वो रूस का सामना कर सके। फिलहाल ज़ेलेंस्की की मांग पर नेटो में विचार विमर्श जारी है, लेकिन नेटो ने ज़ेलेंस्की के डिमांड को पूरा कर दिया तो यकीन मानिए परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। यानी जिस बम से महा विनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसका किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।